तीन है पढ़ाने के लिए आते हैं और पांच बच्चे, दोस्तों देख सकते हैं चार या पांच ही बच्चे हैं जिला परिषद स्कूल के अंदर, तीन टीचर पढ़ा रहे हैं। बनी हुई है, ये देखिए सुभाष खिचड़ी बनी हुई है, चावल का साइज भी आप देख हैं। और इस तरीके के मामले और गंदगी देखिए, गंदगी का अपार आपको देखने को मिलेगा, क्या हो रहा है, किस तरीके का मामला है, हमारा लाखों रुपया किस तरीके का बर्बाद किया जा रहा है, इसका सीधा उदाहरण देखने को मिलेगा। हम लोग अंदर सब जानते हैं कि हम लोग हर बार एक सिजलिंग इशू के ऊपर अकोट से जुड़े हुए बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं अकोट की फेमस और अकोट समझ के चलिए कि 90 से 95% लोग जानते हैं स्कूल के बारे में। स्कूल का नाम है जिला परिषद, जिसे हम ZP भी कहते हैं। इस स्कूल के अंदर जब मैं पहुंचा और जब मेरी टीम, समझता हूँ कि किसी दो गांव दो घर का जो खेड़ा होगा ना सर, तो उस गांव की स्कूल भी इस तरीके की स्थिति उसकी नहीं होगी जो इस स्कूल के हालात बने हुए हैं। इस स्कूल की हम बात करें दोस्तों, तो ऐसी भी स्कूल नहीं है। स्कूल के अंदर बहुत सारी शासकीय या गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं, जिसके अंदर जो है डैम या पता पार बांधरों का जो है वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा एजुकेशन ऑफिस यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्रीड़ा के लिए, मतलब स्पोर्ट्स का सेंटर भी यहीं पर है, मगर इस स्कूल का हालात बहुत ख़राब है। आप आपकी स्क्रीन पर समय देख पाएंगे तो लोग यहां पर आते हैं, अपने मन आता है वहां पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। आप अगर आपकी स्क्रीन पर समय और देखें तो सुअर यहां पर घूम रहे हैं। गेट के ऊपर ताले तो छोड़िए, गेट कब से बंद हुआ है कि नहीं पता नहीं है, गेट जाम हो गया है और हर चीज़ भंगार बनी हुई है। क्लास की बात करें तो क्लास के ऊपर जो है डेस्क बेंच के ऊपर धूल पड़ी हुई है। मुझे मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर चार या पाँच जो है बच्चे हैं जो वहाँ पर पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ जब मैं यहाँ पहुँचा तो प्रिंसिपल सर के बारे में जब मैंने पूछा तो मुझे जानकारी ये मिली कि कोई तो भी सर है यहाँ पर, अकील सर बोलकर जो यहाँ के इंचार्ज हैं, मगर वो भी अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। बताया गया कि शायद वो लंच टाइम में लंच करने के लिए गए थे। मैं जब यहाँ पर पहुँचा, जब मैंने देखा तो स्कूल के बिल्कुल प्रीमाइसेस के अंदर और शासकीय कार्यालय के बिल्कुल सामने शराब की, देसी शराब की बोतलें और बियर की फूटी हुई बोतलें मुझे देखने को मिली। तो अकोट के शासकीय गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर ये क्या हो रहा है, बियर की बोतलें कौन पी रहे हैं, शराब की बोतलें कौन पी रहे हैं, और इस तरीके के मामले और गंदगी देखिए, गंदगी का अंबार आपको पीछे देखने को मिलेगा, क्या हो रहा है, किस तरीके का मामला है, हमारा लाखों रुपया किस तरीके का बर्बाद किया जा रहा है, इसका सीधा उदाहरण देखने को मिलेगा। हम लोग अंदर भी चलेंगे और यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसकी गेट ये देखिए, गेट की हालत देखिए, मुझे लगता है शायद ये गेट आजादी के पहले बना होगा और आजादी के बाद से इसको बंद ही नहीं किया गया। ये देखिए, और कई सारी शासकीय निम्न शासकीय जो है अधिकारियों की बैठक है यहाँ पर। और हम हमारे घर में भी अगर रहते हैं, हमारा घर छोड़िए हम कहीं पर भी रहते हैं, तो एटलीस्ट हम उस आसपास की जगह को साफ रखते हैं, मगर सिर्फ उन्होंने अपनी कुर्सी साफ रखी है, अपना ऑफिस साफ रखा है, इसके आसपास के प्रमाइसिस के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जिसका एग्जाम्पल आप सामने देख पाएंगे, ये देखिए शराब की बोतलें, ये देखिए देसी शराब की बोतलें हैं। आगे चलेंगे आपको बताता हूँ। देखिए, जल संपदा विभाग कार्यालय उप विभागीय अधिकारी पट बांधरे बांधकाम विभाग उप विभाग क्रमांक 7 आकोट के बिल्कुल सामने बियर की बोतल। जी हाँ, ये देखिए सामने सर का ऑफिस है, ये भी ऑफिसेज है और ये है पार्किंग लॉट, अनऑर्थराइज पार्किंग लॉट है। पार्किंग कहाँ पे करनी है ये शायद कहीं भी लिखा हुआ भी नहीं है, तो आपके मन में जहाँ आ रहा है, जिस अधिकारी के मन में जहाँ आ रहा है वो वहाँ पे अपनी जो है प्यारी प्यारी और महंगी गाड़ियों को पार्क कर रहा है। अब चलेंगे हम क्लास के अंदर, क्लास के अंदर का हाल भी जानेंगे कि क्या हो रहा है, कितने स्टूडेंट आए हुए हैं, किस तरीके की पढ़ाई। हम पहुंचे हैं जिला परिषद की क्लास के अंदर, ये चलेंगे देखिए क्लास की क्लास है, ये देखिए पूरा क्लास है। और क्लास के अंदर जगह जैसे हम आते हैं तो देखिए डेस्क बेंच के ऊपर जिस तरीके की ये धूल है, ये देखिए आपको धूल साफ नजर आएगी, और ब्लैक बोर्ड जिस तरह से ये प्लेन क्लीन क्लियर है, और ये देखिए गंदगी। मुझे लगता है शायद आखिरी बार इसको कब साफ किया था गया था वो पता नहीं, और जब साफ भी किया जाता है दोस्तों तो उसे यहीं पर जलाया जाता है। ये देखिए इसको यहीं पर ही जलाया जाता है, जलाने के लिए बाहर भी नहीं ले जाते हैं, चिट वगैरह पड़ी रहती है। ये देखिए पूरा हालात देखिए, यहाँ के पंखे तक निकले पड़े हैं,
कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरा जिला परिषद की छोटी छोटी जो है क्लासेस मैं आपको बता रहा हूँ। शायद मुझे लगता है कि इसमें कई दिनों से, कोई कई सालों से भी बोलेंगे तो गलत नहीं, कई महीनों से बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, शायद किसी ने कदम नहीं रखा। और पहली बार आकोट की सरजमीन पर कोई पत्रकार है जो रियालिटी जिला परिषद की बता रहा है। तो चलेंगे आगे और भी जानने की। तो देख सकते हैं हमारे साथ है जिला परिषद के कुछ बच्चे। आपका नाम बताओ बेटा। मेरा नाम सोहिश है। कहाँ रहते हैं आप? गफूर आला फ्लैट में। आप कहाँ रहते हैं? मैं इश्तेकार प्लॉट में। इश्तेकार प्लॉट में रहते हैं। कौन सी क्लास में है अभी आप? दसवीं में है। अच्छा, ये आप क्या मतलब आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना? यूनिफॉर्म पहन के आते हो क्या? नहीं पहन के नहीं आते। यूनिफॉर्म के बारे में कोई पूछता है आपको यूनिफॉर्म क्यों पहन के नहीं आए? पूछते भी नहीं। आई कार्ड है आपके पास? जी नहीं, आई कार्ड भी नहीं। अच्छा, दिन भर में कितने परेड होते हैं आपके? तीन या चार परेड होते हैं। अभी सुबह से कितने परेड हुए? अभी दो है। दो परेड। क्या क्या पढ़ा है आपको? अभी हमारी सर ने मराठी का पढ़ाए। अच्छा, तो आपके पास बुक्स है, किताबें हैं? हाँ, साथ में लेकर आते हैं। हाँ। होमवर्क वगैरह देते हैं क्या आपको? नहीं देते, 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 देते। थोड़ा बहुत देते। हाँ, थोड़ा देते। अच्छा, मुझे बताएं कि मतलब कितने घंटे की छुट्टी रहती है खाना वाना खाने के लिए? एक घंटे की। खेलने के लिए कोई खिलौने वगैरह कुछ है यहाँ पर? जैसे वॉलीबॉल। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ा बेहतरीन सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, कितने क्लासेस आपके यहाँ पर है? बहुत क्लासेस है मतलब? और बच्चे कितने आप सब? ये चार पाँच बच्चे आते रोज की। बस चार पाँच? हाँ बस। और टीचर कितने पढ़ाने के लिए? टीचर दो सर एक मैडम। अच्छा, तीन है पढ़ाने के लिए आते हैं और पांच बच्चे। दोस्तों देख सकते हैं, चार या पांच ही बच्चे हैं जिला परिषद स्कूल के अंदर, तीन टीचर पढ़ाते हैं। बच्चों के हालात आप देख सकते हैं, कोई यूनिफॉर्म के लिए पूछता नहीं है, कोई आई कार्ड के लिए पूछता नहीं है। आप अपनी मस्ती मजाक करो, ये बहुत अच्छी स्कूल है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसी स्कूल तो मैं समझता हूँ शायद इंडिया में कहीं भी नहीं होगी कि आप इतना फ्रीडम रखो, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी आओ, यूनिफॉर्म वेयर करो मत करो, आई कार्ड वेयर करो मत करो। चार बच्चों की क्लास बेहतरीन, जिसमें कुछ भी पढ़ाने का कोई टेंशन नहीं, टीचर को मस्त रखो, बहुत अच्छी चीज़ है। अखिल सर से सारी बातें करेंगे, अखिल सर से जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि अखिल सर इस बारे में क्या कहते हैं। चल रहे जिला परिषद की खिचड़ी खाने के लिए। इससे पहले हम नगर परिषद की कई सारी स्कूलों की खिचड़ी खाई थी और बहुत मजा आया था। मैंने बहुत सुन रखा है इस खिचड़ी के बारे में, बोलते हैं कि सुबह से बनती है तो शाम तक ताजी रहती है और दोपहर वाले बच्चों को भी माशाल्लाह ये खिचड़ी खिलाई जाती है। तो सुबह की बनी हुई खिचड़ी दोपहर में भी ये खिलाई जाती है। देखते हैं खिचड़ी का टेस्ट कैसा है, क्योंकि यहाँ पर ही सामने देखेंगे आपको शिक्षण विभाग है, एजुकेशन ऑफिस यहीं पर ही है, तो शायद मॉनिटरिंग ज्यादा अच्छे से होती होगी और ध्यान भी बहुत ज्यादा रखा जाता होगा। हम लोग चलेंगे अंदर और ये बनी है खिचड़ी। पहले खिचड़ी की जगह देख लीजिए कितनी प्यारी बनी हुई है, हाइजीन का कितना ख्याल रखा है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, साफ सुथरी जगह है। अच्छा अच्छा, और ये बनी है खिचड़ी, ये देख सकते हैं सुबह से बनी हुई खिचड़ी है। ये देखिए सुबह से खिचड़ी बनी हुई है, चावल का साइज भी आप देखेंगे, आलू वगैरह डाले हुए हैं इसमें, ये देखो। तो ये सुबह से बनी हुई है? तो दोस्तों खिचड़ी जो बनी हुई है ना, वो सुबह से बनी हुई है। आप अंदाजा लगाइए, सुबह की जो बैच होती है उसमें शायद 10 बजे के करीब ही बनती होगी, तो दोपहर में जब बच्चे आते हैं 2:30-3 बजे तो वही ये ठंडी खिचड़ी जो है खाते हैं और शायद उसी वजह से उनकी इतनी तंदुरुस्त है कि वो दिन भर खेलते रहते हैं। तो ये सब बातें हम अखिल सर से जानेंगे कि इतनी उनकी मतलब उन्होंने जो इतना अच्छी खिचड़ी बनाई है उसका रेसिपी क्या है। तो चलिए चलते हैं और अखिल सर से और बात। तो ये है हमारे अखिल सर का ऑफिस और ये ऑफिस के बिल्कुल आप सामने आएंगे ना तो ये एक दो तीन तीन स्टेप नीचे उतरेंगे। हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो देखिए कितनी प्यारी चीज यहाँ पर रखी हुई है, ये है दो दो बियर की बोतलें। तो नगर परिषद के स्कूलों के अंदर हमने वही हाल देखे थे, ग्रामीण रुग्णालय में हमने वही हाल देखा था, हमने जो है नगर पालिका में वही हाल देखा था और हमने जिला परिषद के अंदर भी हम वही हाल देख रहे हैं। शराब की, बियर की और देसी शराब की बोतलें हमको जहां तहां देखने को मिलती है और ये क्या संस्कार बच्चों पर पड़ेंगे। अगर किसी बच्चे ने पूछ लिया, छोटे बच्चे ने, कि सर ये क्या है और उन्होंने बताया बियर और उसने अगर उसको अपने जिंदगी के अंदर जो है ग्रहण कर लिया तो उससे वो क्या साबित करना चाहेगा, तो ये सारे सवाल हम अखिल सर से करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अखिल सर से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो बच्चे इस टैप का पानी पीते हैं, ये देखिए हाइजीन का कितना ख्याल रखा जा रहा है जिला परिषद स्कूल के अंदर कि बच्चों के लिए आरओ का सिस्टम नहीं है और अशुद्ध पानी जो है पिया जाता है। इसका सिस्टम भी चेक करेंगे हम कि कहाँ से इसकी टंकी आती है और टंकी कितनी साफ है। इसकी टंकी कहाँ है बेटा? दस दिन पहले साफ किए थे। अच्छा, इसमें काई बहुत ज्यादा है सर, पूरी हरियाली आ गई, काई आ गई इसके पानी के अंदर। चले